बोइंग प्लेन्स को कौन नहीं जानता। दुनिया का सबसे बड़ा फैक्ट्री भी बोइंग का ही है, जो सिर्फ विमान ही नहीं बनाता, साथ में स्पेस रॉकेट्स, सैटेलाइट्स और मिसाइल्स भी बनाता है। तो किसने खड़ा किया था इतना बड़ा कंपनी? आप चौंक जाएंगे, इसे खड़ा किया था एक लकड़ी व्यापारी ने। कैसे, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टोरीज इन हिंदी और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त भार्गव। ये कहानी शुरू होता है लगभग 140 साल पहले, क्योंकि तभी मतलब सन 1881 को बोइंग कंपनी के फाउंडर विलियम बोइंग पैदा हुए थे अमेरिका के डेट्रॉइट मिशिगन में। उनके माँ ऑस्ट्रिया से थी और पिता जर्मनी से थे। सन 1868 को उनके पिता अमेरिका आए थे और एक मजदूर का काम करना शुरू किया था। बाद में उन्होंने लकड़ी बिजनेस से अपना भाग्य बनाया, लेकिन विलियम बोइंग जब 8 साल के थे तभी वो गुजर गए और विलियम बोइंग के माँ ने दूसरी शादी कर ली। 22 साल की उम्र में उन्होंने ग्रेजुएशन पूरा किए बिना लकड़ी व्यापार में जुड़ गए, जो उनके पिता भी करते थे। उन्होंने ऐसे ज़मीन खरीदी जहाँ पर बहुत पेड़ और जंगल थे और वो ग्रीनवुड टिम्बर कंपनी के प्रेसिडेंट बने, जो एक लकड़ी व्यापार का ही कंपनी था। और तभी उन्होंने अच्छा खासा मुनाफा कमाया, जो आगे जाके उनको एक अलग ही बिजनेस में काम आने वाले थे। ये सब बातें सन 1903 से 1909 के बीच की है। और तभी सन 1903 में राइट भाइयों ने दुनिया का पहला विमान आविष्कार किया था, लेकिन 1909 तक विलियम बोइंग ने विमान देखे ही नहीं थे। सन 1909 में उन्होंने एक विश्व मेला या प्रदर्शनी में पहली बार विमान देखा और मोहित हो गए। वो इतना प्रभावित हुआ कि उन्होंने तुरंत फ्लाइंग स्कूल ज्वाइन किया और एक विमान भी खरीद लिया। है ना अजीब बात, विमान पहली बार देखते ही खरीद भी लिया, क्योंकि उनके पास पैसा आ गया था लकड़ी व्यापार से। लेकिन खुद एक नया पायलट होने के वजह से उन्होंने अपने विमान को क्षतिग्रस्त कर दिया, मतलब छोटा सा क्रैश किया। और जब उन्हें पता चला कि उस विमान के रिप्लेसमेंट पार्ट्स महीनों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे, तब उन्होंने अपने एक फ्रेंड से कहा कि हम खुद एक बेहतर विमान का निर्माण कर सकते हैं और इसे तेज़ी से बना भी सकते हैं, और ऐसा ही किया। इससे पहले उनका लकड़ी का नाव बनाने का तजुर्बा भी था और सामान भी था। उन्होंने अपने बोट हाउस हैंगर में ही अपना पहला विमान बनाना शुरू किया। विमान को बनाने के लिए उन्होंने लकड़ी, वायर और लिनन कपड़ा का इस्तेमाल किया और जून 1916 को पूरा भी कर लिया। उनके द्वारा बनाया हुआ पहला विमान का नाम था BNW सी प्लेन। इस विमान ने पहला उड़ान भरा 15 जून 1916 को, जिसमें इस विमान ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया। इस सफलता के बाद बोइंग ने विमान के कारोबार में जाने का फैसला किया और अपने कारखाने के लिए सियाटल पर एक जगह खरीदा। बोइंग ने यह बिजनेस अपने फ्रेंड के साथ शुरू किया और कंपनी का नाम रखा पैसिफिक एरो प्रोडक्ट्स कंपनी। जून से नवंबर तक उन्होंने 2 प्लेन बनाई और उन प्लेनों को US नेवी को बेचना चाहा, लेकिन जब नेवी ने नहीं खरीदा तो न्यूजीलैंड के एक फ्लाइंग स्कूल को बेच दिया और ऐसे ही उनका पहला इंटरनेशनल सेल शुरू हो गया। लेकिन सन 1917 में अमेरिका जब पहला विश्व युद्ध में शामिल हो गया, तब विलियम बोइंग को पता चल चुका था कि अब US नेवी को सी प्लेन्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए उन्होंने 2 नया मॉडल CS प्लेन फ्लोरिडा भिजवा दिया नेवी को दिखाने के लिए, जो नेवी को पसंद आ गया और 50 प्लेन्स की ऑर्डर भी दे दिया। और तब उन्होंने अपना कंपनी का नाम बोइंग एयरप्लेन कंपनी रख लिया। जब युद्ध खत्म हो गया, तब बोइंग ने कमर्शियल और पैसेंजर एयरक्राफ्ट के ओर ध्यान देना चाहा। लेकिन तभी, जो कि युद्ध खत्म हो चुका था, इसीलिए अतिरिक्त रहने वाले मिलिट्री प्लेनों ने कमर्शियल एयरप्लेन मार्केट का जगह ले लिया था, और इस वजह से एयरप्लेन फैक्ट्रीज से कोई भी नया विमान बिक्री नहीं हो रहा था। बोइंग कंपनी का भी बुरा हालत हो गया था, इसीलिए उन्होंने प्लेन्स के जगह फर्नीचर बना के बेचना शुरू किया। इसके बावजूद उन्होंने विमानों को विकसित करना जारी रखा, जिसमें बोइंग P-12 F-4B जैसे सक्सेसफुल लड़ाकू विमान भी शामिल है। उसके बाद सन 1928 में उनके कंपनी ने 3 इंजन वाला बोइंग 80 बायप्लेन बनाई, जो 12 पैसेंजर ले जा सकते थे। और 1930 तक बोइंग ऑल मेटल विमान निर्माण में अग्रणी बन गया, जिसमें पहला था मोनोमेल नाम का एक मोनोप्लेन, जो बहुत एरोडायनेमिक था
और रिट्रैक्टेबल लैंडिंग गियर भी था। इसके तीन साल बाद 1933 में एक ऐसा पैसेंजर प्लेन बनाया जो आज के ज़माने के सभी पैसेंजर प्लेन्स की शुरुआत था। इस प्लेन का नाम था बोइंग 247। लेकिन सन 1934 को सरकार के नए नियम के चलते बोइंग कंपनी तीन छोटी कंपनियों में विभाजित हो गया और तभी विलियम बोइंग ने अपने शेयर बेच दिए और बोइंग कंपनी को भी छोड़ दिया। लेकिन बोइंग कंपनी आगे बढ़ता ही गया, जैसे कि सन 1938 को बोइंग कंपनी ने 307 स्ट्रेटोलाइनर बनाया जो दुनिया का पहला प्रेशराइज्ड केबिन परिवहन विमान था। द्वितीय विश्वयुद्ध के समय बोइंग ने बॉम्बर प्लेन्स बनाना शुरू किया। तब श्रमिकों में से कई महिलाएं थीं जिनके पति युद्ध में गए थे। तब हर महीने 350 विमानों का निर्माण किया जाता था। सन 1942 में बोइंग ने C-97 स्ट्रेटोफ्रेटर बनाना शुरू किया जो एक बहुत बड़ा मिलिट्री प्लेन था जो युद्ध के बाद सर्विस पे आया। लेकिन युद्ध के बाद बॉम्बर प्लेन्स के ऑर्डर कैंसिल हो गया और 70,000 लोगों की नौकरी चली गई। इस परिस्थिति से निपटने के लिए बोइंग कंपनी ने C-97 प्लेन्स का उन्नति करके एक चार इंजन वाला लग्जरियस पैसेंजर प्लेन बोइंग 377 बनाई, पर इस मॉडल की बिक्री उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई। इसके बाद जेट एज शुरू हुआ और बोइंग ने कई जेट बॉम्बर बनाए, जैसे कि B-47 और B-52। ये सन 1947 की बात है। और 1950 तक कंपनी ने बोइंग 367-80 नाम का जेट पैसेंजर प्लेन्स भी बना लिया। इसी बीच सन 1956 में बोइंग कंपनी के फाउंडर विलियम बोइंग हार्ट अटैक के वजह से चल बसे, लेकिन उनके द्वारा खड़ा किया हुआ कंपनी चलता ही रहा। जैसे कि सन 1958 तक बोइंग 707 बन गया जो अमेरिका का पहला कमर्शियल जेट एयरलाइनर बना, जिसमें चार जेट इंजन था और जो 156 पैसेंजर्स ले जा सकता था। सन 1960 में बोइंग 727 अनाउंस किया और सन 1961 ने कंपनी का नाम छोटा करके बोइंग कंपनी किया और सन 1961 में सैटर्न 5 रॉकेट बनाने का भी कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया जो रॉकेट इंसान को चांद पे ले जाने वाला था। सन 1967 में बोइंग 737 इंट्रोड्यूस किया जो तब से विमान इतिहास में सबसे अधिक बिकने वाला वाणिज्यिक जेट विमान बन गया और यह विमान आज भी सर्विस पे है। इसके दो साल बाद सन 1969 को बोइंग का जाना माना और बहुत बड़ा बोइंग 747 ने पहला उड़ान भरा। ये एक सबसे पॉपुलर प्लेन बना जो आज भी सर्विस पे है। तो ये था बोइंग कंपनी का इतिहास जिसे एक लकड़ी व्यापारी ने खड़ा किया था। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल को भी ऑन कर ले ताकि आगे आने वाले और भी कंपनी का सक्सेस स्टोरीज और उनके फाउंडर के संघर्षों के बारे में जान पाए। जल्द ही मिलेंगे एक और दूसरा कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।